देखिए तो ये कैसी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली उसकी आवाज तो जमाने की आवाज हो गई। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारमा बनता गया। जुलाई 2021 से महमदाबाद की सरजमी पर एक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता प्रतिभा की, जो प्रतियोगिता योग्यता की, जो प्रतियोगिता पढ़ाई के प्रति जुनून की, जो प्रतियोगिता दृढ़ संकल्प की, जो प्रतियोगिता शब्दों के आसमान की, जो प्रतियोगिता योग्यता की, जो प्रतियोगिता शब्दों के आसमान की, जो प्रतियोगिता व्यवहार की, जो प्रतियोगिता संस्कार की, जो प्रतियोगिता ऊंची उड़ान की, जिसका टाइटल था ऊंची उड़ान के परिंदे। जी हाँ, यह एक विशेष तरह की प्रतियोगिता जिसका आरंभ 21 जुलाई 2021 से महमदाबाद की सरजमी पर हुआ था, जिसमें पहली बार मात्र 21 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था, लेकिन आज इस प्रतियोगिता में हजारों हजार विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज हम बहुत खूबसूरत पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आज ये बहुत खूबसूरत पड़ाव है चौथे संस्करण के परीक्षा परिणाम की घोषणा की। मैं आपका अपना साथी, आप सभी प्रतिभावान विद्वान, जीवन में कुछ कर गुजरने का सपना पाले ख्वाब लिए सभी तमाम विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी इस प्रतियोगिता का सीधा सा उद्देश्य है कि आजकल के विद्यार्थी जो मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, जो रटने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा पारंगत हो रहे हैं, किसी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, पुस्तक से उनकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, तो पुस्तक से कैसे नज़दीक उनको जोड़ा जाए, पुस्तक के कैसे नज़दीक उनको लाया जाए, इस प्रक्रिया में हम ये प्रतियोगिता लगातार आयोजित करते आ रहे हैं। ये चौथा संस्करण था, तो आज जो अवसर है वह अवसर है उस चौथे संस्करण में की परीक्षा में जिन्होंने टॉप 75 में अपना स्थान हासिल किया उन प्रतिभागियों के नाम की घोषणा की। तो नाम की घोषणा का सिलसिला हम शुरू करें, उसके पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को, आप सभी विद्यार्थियों को इस दीपावली के जो प्रकाश और उत्साह का एक पर्व है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। तो आइए अब हम एक एक करके जो है सिलसिला शुरू करेंगे। हम नाम प्रोनाउंस करेंगे उन विद्यार्थियों के जिन्होंने टॉप 75 में अपनी जगह पक्की की है। शुरू करें तो आइए अब हम शुरू करते हैं सिलसिला एक एक विद्यार्थियों के नाम के घोषणा की। टॉप 75 में जिन्होंने अपना स्थान पक्का किया ऐसे विद्यार्थियों के नाम की घोषणा अब हम करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इस टॉप 75 में आपका भी नाम हो सकता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम उल्टा यानी कि 75 रैंक से शुरू करेंगे और एक तक हम पहुंचेंगे। अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में इस बात की जानकारी दे देंगे कि किस क्लास में कितने क्वेश्चंस गलत थे, उन सभी गलत क्वेश्चंस को हटा दिया गया है और उसके बाद में जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं क्वेश्चन पेपर में उसके बेस पर परसेंटेज तैयार किया गया है। फॉर एग्जांपल किसी कक्षा में यदि 3 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो परसेंटेज 97 पे कैलकुलेट किया गया है, वहां पर 97 से निकाला गया है, तो सबके साथ समानता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो शुरू करते हैं सिलसिला, आप सभी उम्मीद है कि तैयार होंगे, मोबाइल से चिपक के बैठ जाइएगा क्योंकि इस टॉप 75 में आपका भी नाम हो सकता है। तो 75वें स्थान पर यानी कि आप कह सकते हैं इसमें चूंकि संयुक्त रूप से एक ही नंबर पे एक ही समान अंक कई विद्यार्थियों के हैं तो इसमें रैंक में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है या फिर उनका स्थान संयुक्त रूप से भी हो सकता है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 72वें स्थान पर संयुक्त रूप से तो नहीं लेकिन अकेले हैं, 40.46 अंक प्राप्त करके प्रतिशत ये हैं सब, तो 4.46% अंक प्राप्त करके आलोक वर्मा, संजय वर्मा जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं इन्होंने 72वीं रैंक प्राप्त की है। 17वीं रैंक संयुक्त रूप से दो विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, दोनों ने बराबर बराबर 40.72% अंक प्राप्त करके उन्होंने 17वीं रैंक प्राप्त की है। उनके नाम हैं देवांश गुप्ता, सनाफ अमित गुप्ता जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इसके बाद शैलेश सनाफ रामानंद जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 40.72% अंक प्राप्त करके
संयुक्त रूप से दोनों लोगों ने 17वीं रैंक प्राप्त की है। इसके बाद नंबर आता है 69वीं रैंक की, तो 40.88% अंक प्राप्त करके आदित्य वर्मा सनाप अरविंद वर्मा ने 69वीं रैंक जो है प्राप्त की है। इसके बाद नंबर आता है 68वीं रैंक की आयुषी वर्मा राजेश कुमार वर्मा, जिन्होंने 41.92% अंक प्राप्त करके 68वां स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद 67वें स्थान पर हैं 42.01% अंकों के साथ अनित कुमार वर्मा सनाप राम सेवक, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। 66वें स्थान पर 42.44% अंकों के साथ आकर्षित राज सनाप प्रेम कुमार, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। 64वें स्थान पर संयुक्त रूप से दो विद्यार्थियों ने जो है कब्जा किया है 42.70% अंकों के साथ, उनके नाम हैं सूर्यांश शुक्ला सनाप उमेश शुक्ला, आराध्या सिंह डॉटर ऑफ कुलदीप सिंह, दोनों कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। इन्होंने 42.70% अंकों के साथ 64वें स्थान पर कब्जा जमाया है। 63वें स्थान पर 43.04% अंकों के साथ आर्यन वर्मा सनाप रंजीत वर्मा ने अपना स्थान पक्का किया है। इसके बाद संयुक्त रूप से ही आप कह सकते हैं 43.04% अंकों के साथ आंचल प्रेम रतन कटियार, पिताजी का नाम है, जो कक्षा 9 की छात्रा है, इन्होंने भी संयुक्त रूप से ये स्थान 62वां स्थान जो है प्राप्त किया है। इसके बाद 43.22% अंकों के साथ सानिध्य मिश्रा सनाप ज्ञानेश मिश्रा, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 61वां रैंक प्राप्त किया है। इसके बाद 60वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं आदर्श कुमार वर्मा, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 43.29% अंकों के साथ ये स्थान पर कब्जा जमाया है। इसके बाद 56वें नंबर पर यानी कि 56वें रैंक पर ढेर सारे विद्यार्थी हैं, उनके नाम की हम घोषणा करते हैं, जिन्होंने 43.81% अंकों के साथ इस रैंक को प्राप्त किया है। वो विद्यार्थी हैं क्रमशः आप नाम सुन लीजिएगा, अंशिका वर्मा डॉटर ऑफ राघव राम वर्मा, जो कक्षा 10 की छात्रा हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह महेंद्र प्रताप सिंह, जो कक्षा 10 के छात्र हैं, कशिश वर्मा डॉटर ऑफ संजय वर्मा, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, गुंजन सिंह महेंद्र प्रताप सिंह, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, इन चारों विद्यार्थियों ने 43.81% अंकों के साथ 56वीं रैंक प्राप्त की है। इसके बाद 54वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिन्होंने 44.47% अंकों के साथ यह स्थान हासिल किया है, हेमंत वर्मा सनाफ राजेश कुमार, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने यह स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद 53वें नंबर पर 44.58% अंकों के साथ कब्जा किया है इच्छा वर्मा टाटर ऑफ अंजनी वर्मा, जो कक्षा 7 या फिर 8 की छात्रा हैं। 44.79% अंकों के साथ 52वीं रैंक प्राप्त करने वाली छात्रा है अनन्या डॉटर ऑफ अतुल कुमार कुशवाहा, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, इन्होंने 44.79% अंकों के साथ 52वीं रैंक प्राप्त की है। इसके बाद 44.84% अंकों के साथ अभिषेक वर्मा सनाफ हरिनाम सिंह, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, उन्होंने 51वीं रैंक प्राप्त की है। 45.31% अंकों के साथ नमन केसवर सनाफ देवेंद्र कुमार, जो कक्षा 6 के छात्र हैं, उन्होंने 50वीं रैंक प्राप्त की है। 45.36% अंकों के साथ 49वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अमित कोरवाल पिताजी बलराम कोरवाल, जो कक्षा 10 के छात्र हैं, 45.87% अंकों के साथ 48वीं रैंक प्राप्त करने वाली छात्रा हैं वैशाली सिंह डॉटर ऑफ विवेक सिंह, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, इन्होंने 45.87% अंकों के साथ 48वां स्थान प्राप्त किया है।
47वें नंबर पर 46.35% अंकों के साथ आदित्य कुमार, सना प्रमोद कुमार जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने कब्जा जमाया है। 42वें नंबर पर संयुक्त रूप से कई विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया है। मैं एक एक करके सबके नाम की घोषणा करता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन सभी विद्यार्थियों के परसेंटेज की बात करें तो 47.16% अंक के साथ इन लोगों ने 42वीं रैंक प्राप्त की है। उनमें है आंचल वर्मा, डॉक्टर पवन कुमार कक्षा 10 की छात्रा हैं, कोमल यादव, नरेंद्र कुमार कक्षा 9 की छात्रा हैं। इन लोगों ने 47.16% अंकों के साथ यह स्थान हासिल किया है। प्रज्ञा निगम, चंद्र प्रकाश निगम कक्षा 9 की छात्रा हैं, 47.16% अंक हैं। अनिकेत वर्मा, डॉक्टर सनाफ, अरविंद कुमार कक्षा 9 के छात्र हैं। इसके अलावा हर्ष पटेल, विनोद कुमार कक्षा 8 के छात्र हैं। इन सब विद्यार्थियों ने 47.16% अंकों के साथ 42वां स्थान प्राप्त किया है। 41वें नंबर पर 47.42% अंकों के साथ हाजिरा बानो, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अशफाक जो कक्षा 7 या फिर 8 की छात्रा हैं, इन्होंने कब्जा जमाया है। 47.65% अंकों के साथ 40वें स्थान पर कब्जा जमाने वाले अलंकृत वर्मा नीरज वर्मा जो कक्षा 5 या 6 के विद्यार्थी हैं। इसके बाद 38 नंबर पर संयुक्त रूप से 2 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया है, करण वर्मा, सनाब सुशील कुमार वर्मा कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, करण चौहान, उमेश चौहान ये भी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। इन दोनों विद्यार्थियों ने 47.68% अंकों के साथ 38वें नंबर पर कब्जा जमाया है। इसके बाद बात करें 35वें नंबर की, इसके बाद बात करते हैं 37वें नंबर की, तो 47.93% अंकों के साथ अनुराधा सिंह, डॉक्टर ऑफ हनुमान प्रसाद कक्षा 9 की छात्रा हैं, इन्होंने 37वां स्थान प्राप्त किया है 47.93% अंकों के साथ। 48.45% अंकों के साथ 2 विद्यार्थी हैं, आजाद सिंह सनाफ जितेंद्र वर्मा, अभिनय सिंह सनाफ विजय कुमार दोनों कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और दोनों विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से 35वां स्थान प्राप्त किया है। 48.69% अंकों के साथ 34वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी छात्रा हैं अपूर्वा, डॉक्टर ऑफ अजय नारायण जो कक्षा 6 की छात्रा है। क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 75 है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है पढ़ने में, आप धैर्य बनाए रखें और अपने नाम की प्रतीक्षा करते रहें। तो हम लोग पहुंच गए थे 35वीं रैंक तक। अब हम लोग बात करते हैं 34वें स्थान पर किसने कब्जा जमाया है, तो 48.69% अंकों के साथ 34वें नंबर पर कब्जा अपूर्वा, डॉक्टर ऑफ अजय नारायण जो कक्षा 6 की छात्रा हैं इनका रहा है। बात करते हैं 33वें स्थान पर 49.47% अंकों के साथ अक्षरा श्रीवास्तव, डॉक्टर ऑफ उदय श्रीवास्तव जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, इन्होंने 49.74% अंकों के साथ 33वें नंबर पर कब्जा किया है। 32वें स्थान पर 50% अंकों के साथ अभय चतुर्वेदी, सनाफ धनेश बिहारी जो कक्षा 9 के छात्र हैं, इन्होंने अपना स्थान बनाया है। सिलसिला जारी है। आप सोच रहे होंगे कि आपका नाम कब आएगा, बस थोड़ा सा और इंतजार करिएगा। अब देखते हैं कि आगे कौन आता है। 31वें स्थान पर 50.51% अंकों के साथ वर्तिका सोनी, डॉक्टर ऑफ रमेश चंद्र सोनी जो कक्षा 10 की छात्रा हैं, इन्होंने 50.51% अंकों के साथ 31वां स्थान हासिल किया है। 29वें स्थान पर संयुक्त रूप से 2 विद्यार्थियों का कब्जा रहा है, 50.52% अंकों के साथ वैभव यादव राजेश कुमार जो कक्षा 6 के छात्र हैं, नैतिक वर्मा मितराज सिंह जो कक्षा 6 के छात्र हैं, दोनों ने 50.52% अंकों के साथ 29वें स्थान पर कब्जा जमाया है। 25वें नंबर पर ढेर सारे विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया है, मैं एक एक का नाम पढ़ता हूँ। कृष्णा रस्तोगी, धर्मेंद्र नाथ जो कक्षा 8 के छात्र हैं, इन्होंने 51.52
09% अंकों के साथ 25वें स्थान पर कब्जा जमाया है। ये कक्षा 7-8 में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जब फॉर्म फिल करवाया गया था तो उसमें 8 और 7 के लिए अलग ऑप्शन नहीं था, तो विद्यार्थी जरा सा इस बात को देख लेंगे कि वो किस कक्षा के विद्यार्थी हैं। सोनम रस्तोगी, धर्मेंद्र नाथ जो कक्षा 9 की छात्रा है, इन्होंने भी 51.03% अंकों के साथ संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर कब्जा जमाया है। मनीष वर्मा सनब जितेंद्र कुमार जो कक्षा 8 के छात्र हैं, इन्होंने भी 51.03% अंकों के साथ संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर कब्जा जमाया है। नवनीत कुमार राम सेवक जो कक्षा 9 के छात्र हैं, इन्होंने भी 51.03% अंकों के साथ संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर कब्जा जमाया है। आप सभी जहां भी बैठे होंगे, इन सभी विद्यार्थियों के लिए तालियां बजाते हुए उत्साहवर्धन करिए, क्योंकि यह परीक्षा वास्तव में परीक्षा थी। यहां पर बहुत नियम कानून कायदे से और बिना किसी नकल के, और इसमें कोई अंदाजा या इम्पोर्टेंट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पर विद्यार्थियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, ये काबिले तारीफ है और इन सब का उत्साहवर्धन बनता है। आगे बात करते हैं, 24वें स्थान पर 51.58% अंकों के साथ अर्णव शुक्ला सनाब रामू शुक्ला जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने स्थान बनाया है। 23वें स्थान पर 51.80% अंकों के साथ लक्ष्य सिंह सनाब सत्यपाल सिंह जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने स्थान अपना वहां पे बनाया है। 51.82% अंकों के साथ लक्ष्य सिंह सनाब सत्यपाल सिंह जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 23वां स्थान प्राप्त किया है। 22वें नंबर पर 51.82% अंकों के साथ प्रियांशु वर्मा सनाब रजनीश वर्मा जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने स्थान पक्का किया है। 21वें स्थान पर 52.31% अंकों के साथ पर्थ वाजपेयी सनाब आलोक वाजपेयी जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने स्थान बनाया है, इस स्थान पर कब्जा जमाया है। 20वें स्थान पर 53.12% अंकों के साथ दिव्यांशी वर्मा महेंद्र कुमार वर्मा जो कक्षा 6 की छात्रा है, इन्होंने स्थान पक्का किया है। आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब उस शख्स का नाम आएगा, उस विद्यार्थी का नाम आएगा जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या पहला स्थान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी ने उस 85% के आंकड़ा को तोड़ा है या नहीं, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अभी समय के गर्भ में है। आप इंतजार करिए, बहुत जल्द इस बात की जानकारी खबर आप तक पहुंच जाएगी कि क्या इस बार किसी विद्यार्थी ने 85% का आंकड़ा पार किया। क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने 11,000 रुपये का जो पुरस्कार था उसको प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है। अभी हम 20वें स्थान तक पहुंचे हैं, एक एक करके हम उस स्थान तक जरूर पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या रिकॉर्ड टूटा या अभी इसको टूटने में अभी और वक्त लगेगा। तो हम पहुंचे हैं 20वें नंबर तक। बात करते हैं 18वें नंबर की, 19वां नंबर गायब हो गया, आप सोच रहे हो कहां चला गया। दरअसल इस स्थान पर 2 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया है, 18वां स्थान संयुक्त रूप से मिला है। कार्तिक गुप्ता सनाब संतोष कुमार गुप्ता जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 53.35% अंकों के साथ ये 18वां स्थान हासिल किया है। सौम्या वर्मा अवधेश कुमार वर्मा जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, इन्होंने भी 53.35% अंकों के साथ संयुक्त रूप से कार्तिक गुप्ता के साथ 18वां स्थान अर्जित किया है। बात करते हैं 17वें स्थान की, तो 53.86% अंकों के साथ अभय वर्मा ने जो सना प्रदीप वर्मा प्रदीप कुमार जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 17वां स्थान प्राप्त किया है। 54.38% अंकों के साथ 16वें स्थान पर रुद्र प्रताप सनाब ललित कुमार जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इनका दबदबा रहा, इनका कब्जा रहा। अब हम टॉप 15 में जो है प्रवेश कर रहे हैं, बहुत जल्द हम टॉप फर्स्ट तक पहुंच जाएंगे, पहले विद्यार्थी तक पहुंच जाएंगे। आप सब लोग जहां भी हो, इन विद्यार्थियों के लिए लगातार करतल ध्वनियों से आप इनका उत्साहवर्धन करते रहें। अवनी शुक्ला
अवनी शुक्ला डॉक्टर पुरुषोत्तम शुक्ल जो का चार्ट की छात्रा हैं, इन्होंने 55.92% अंकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां के लिए होनी चाहिए। अवनी शुक्ला पुरुषोत्तम शुक्ल का चार्ट की छात्रा 55.92% अंक। आसान नहीं होते, कठिन काम है। एंजल वर्मा डॉटर ऑफ ज्ञानेंद्र वर्मा जो कक्षा 10 की छात्रा हैं, इन्होंने 56.18% अंकों के साथ संयुक्त रूप से 13वां स्थान प्राप्त किया है। 13वें स्थान पर एक और विद्यार्थी अमन कुमार सनाफ रमेश कुमार जो कक्षा 8 के छात्र हैं, इन्होंने भी 56.18% अंक प्राप्त करके संयुक्त रूप से 13वां स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। मोहम्मद कैस मोहम्मद रहीस जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 56.44% अंकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया है। अब आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद के अंकों का भी कितना महत्व है। दशमलव के बाद मात्र एक अंक में, मतलब दशमलव के बाद के अंकों की बात करें और एक अंक में यदि कमी है या बढ़ोतरी है तो कितना ज्यादा अंतर आ रहा है। ठीक है, अर्जुन गुप्ता, आगे सिलसिला हम शुरू करते हैं। अर्जुन गुप्ता सनाफ राकेश कुमार गुप्ता जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, ये पिछली बार के क्विज में भी इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई थी। इस बार इन्होंने 56.70% अंकों के साथ 11वां स्थान प्राप्त किया है। तो विद्यार्थियों अब समय आ गया है टॉप 10 में प्रवेश करने का। आपको पता होगा कि टॉप 10 में जो विद्यार्थी अपना स्थान पक्का करेगा उसके लिए कैश प्राइज था, टॉप 10 के विद्यार्थियों के लिए अलग प्राइज था। टॉप 10 के विद्यार्थियों के जो अलग विद्यार्थी थे 11 से लेकर के 75 तक, इनके लिए प्राइज जो था वह अलग था। तो ये काफ़ी होनहार विद्यार्थी हैं, ये ज़रूर अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने शहर का और भारत देश का ये नाम अवश्य रोशन करेंगे, ऐसी कामना है। और इनकी प्रतिभा को देख करके ऐसा ही लगता है। तो अब वक्त आ गया है, अब आप बहुत इत्मीनान से बैठ जाइए क्योंकि अब वक्त आ गया है टॉप 10 में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों के नाम की घोषणा की। तो हम 10 प्लेस से शुरू करेंगे और फर्स्ट प्लेस तक जाएंगे। एक एक करके हम नामों की घोषणा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब वक्त आ गया है टॉप 10 के विद्यार्थियों के नाम के घोषणा की। अब आप कहते हैं कि सीट की जो बेल्ट है उसको थोड़ा कस लीजिए और बहुत मतलब ध्यान से नाम सुनिएगा क्योंकि वो बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। हम एक एक करके 10-1 यानी कि उल्टा हम नामों की घोषणा करेंगे। आप सुनते जाइए और देखते जाइए कि कहीं इसमें आपका नाम तो नहीं। तो 10th स्थान पर 57.81% अंकों के साथ सचिन यादव सनाफ जितेंद्र यादव जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने कब्जा जमाया है। जोरदार तालियां इनके लिए। आप जहां कहीं भी बैठे हो, एक लोग दो लोग जितने लोग भी बैठ करके इसको देख रहे हो, रिजल्ट अनाउंसमेंट सुन रहे हो, उन सभी से निवेदन कि वो सब अपने पास बैठे हुए सभी लोगों से और स्वयं से इन सभी विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन हेतु करतल ध्वनि से तालियां अवश्य बजाएं। 8वें स्थान पर 59.63% अंकों के साथ अंशुमन सिंह पंकज सिंह जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, मैं फिर से नाम दोहराता हूं, 8th प्लेस पे 8वें स्थान पे 59.63% अंकों के साथ स्थान जमाने वाले, कब्जा जमाने वाले विद्यार्थी हैं अंशुमन सिंह सनाफ पंकज सिंह जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। कक्षा 5 का विद्यार्थी काफी छोटा विद्यार्थी है। अब आप सोच सकते हैं कि इसने 8th प्लेस प्राप्त की है तो मेहनती तो होगा। आप सब लोग इस विद्यार्थी के जीवन के भविष्य के लिए शुभकामनाएं अवश्य प्रेषित करें। 7th प्लेस पे 60.05% अंकों के साथ आरुष सिंह सना प्रदीप कुमार सिंह जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने कब्जा जमाया है। हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं। कक्षा 7 के विद्यार्थी माफ कीजिएगा 7th रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं आरुष सिंह सना प्रदीप कुमार सिंह जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 60.05% अंकों के साथ ये कारनामा कर दिखाया है। 6th प्लेस पर इतिहास रचने वाले, कारनामा करने वाले विद्यार्थी हैं
आशुतोष कुमार वर्मा सना उत्तम कुमार वर्मा जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 60.56% अंकों के साथ ये कारनामा कर दिखाया है। तालियां इनके लिए तो जरूर बनती हैं। हमारे सम्मुख बैठे हुए सभी विद्यार्थियों से हम आग्रह करेंगे कि जैसे जैसे इसका एक एक विद्यार्थियों के हम नाम की घोषणा करते जा रहे हैं, वह जोरदार तालियों से इन विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते रहें, ताकि विद्यार्थी जब कभी भी मतलब कि करतल ध्वनियां जब उनको सुनाई दें तो उनके अंदर एक नई जोश, फिर से कुछ अलग कर देने की जो प्रतिबद्धता है वह एक बार फिर से जागृत हो। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं टॉप 5 में। टॉप 5 समझ रहे हैं, 1000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, उस विद्यार्थी में टॉप 5 में जगह बनाना वाकई में बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। तो 5वें स्थान की हम घोषणा करते हैं। 5वें स्थान पर 61.59% अंकों के साथ स्वास्तिक शर्मा सना विवेक शर्मा जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने ये स्थान प्राप्त किया है, 5वां स्थान प्राप्त करने का कारनामा कर दिखाया है। ये मात्र कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं और टॉप 5 में जगह है, बेस्ट विशेष। 3रे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया है, तो चौथा स्थान जाहिर सी बात है गायब हो जाएगा। तो 3रे स्थान पर कब्जा जमाने वाले जो 2 विद्यार्थी हैं उसमें सूर्यकांत पटेल सना प्रेम सागर जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, 62.62% अंकों के साथ उन्होंने 3रे स्थान पर यह कारनामा कर दिखाया है। जोरदार तालियां सूर्यकांत पटेल के लिए। ध्रुव प्रताप सिंह धर्मपाल सिंह जो कक्षा 7 या 8 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने भी 62.62% अंकों के साथ संयुक्त रूप से 3रा स्थान प्राप्त किया है, बेस्ट विशेष। तो ध्रुव प्रताप सिंह बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करेंगे टॉप 2 की। टॉप 2 में क्या कोई ऐसा है जिसने 85% का आंकड़ा पार कर लिया है? बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अभी शेष हैं। क्या इस बार फिर से रह गया 85% का आंकड़ा, या किसी ने पार कर दिया? देखते हैं भाई आगे क्या होता है। तो दूसरे स्थान पर, जी आप सही सुन रहे हैं, दूसरे स्थान पर 62.88% अंकों के साथ, सुना आपने, 62.88% अंकों के साथ कब्जा जमाने वाले विद्यार्थी हैं जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। गेस करिए, अनुमान लगाइए कौन हो सकता है कक्षा 8 के हैं। जी कक्षा 8 के, नाम है अर्पित वर्मा सना प्रेमचंद्र वर्मा। जी आपने ठीक सुना, अर्पित वर्मा प्रेमचंद्र वर्मा, इन्होंने 62.88% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त करने का कारनामा कर दिखाया है। बहुत जोरदार तालियां अर्पित वर्मा के लिए, बेस्ट विशेष टू यू अर्पित वर्मा। आप जहां कहीं भी हो इसको सुन रहे हो, यकीनन आप बहुत प्रसन्न होंगे, आज आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब बात है प्रथम स्थान की। प्रथम स्थान क्या ये जो परसेंटेज है वह 85 के ऊपर है, या इस बार भी यह आंकड़ा रह गया? तो सुनिएगा, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का मैं क्या बताऊं पहले। जी मैं पहले कक्षा बताता हूं, यह कक्षा 9 का विद्यार्थी, इसने यह कारनामा कर दिखाया है। कक्षा 9 मैं बात करूं, कुल इसने 97 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, और 97 में से चूंकि 3 प्रश्न कक्षा 9 में जो थे वो गलत हो गए थे तो उनको हटा दिया गया था, तो 97 में से इसने टोटल 70 क्वेश्चन सही किए हैं। 70, जी मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9 का विद्यार्थी है, 97 प्रश्न अटेम्प्ट किए इसने और 70 उसमें से सही निकले, तो गलत आपने जोड़ा होगा, 27 उसमें से गलत हो गए। परसेंटेज की बात करें तो 65.20%। जी थोड़ी सी मायूसी की बात यह है कि यह आंकड़ा 85% के ऊपर नहीं है, 85% के ऊपर नहीं है, लेकिन यह 65.20 है। हर बार का रिकॉर्ड इस बार टूट गया, पिछली बार शायद 63% का आंकड़ा पार हुआ था और इस बार 65% का आंकड़ा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है, आयुष वर्मा है सना कुलदीप कुमार वर्मा, जिन्होंने 65.20% अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त कर दिखाया है, और इन्होंने यह कारनामा बहुत कम उम्र में कर दिखाया। 1000 विद्यार्थियों में से अगर जो पहला स्थान प्राप्त कर रहा है तो अद्भुत क्षमता का धनी होगा, बेस्ट विशेष टू आयुष वर्मा, स्थान आप कुलदीप कुमार वर्मा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस बार बहुत बेहतरीन परीक्षा दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था,
फॉल्ट के मामले में बहुत कम गलतियां थी, कक्षा 9 में 3 प्रश्न गलत थे, कक्षा 10 की बात करें तो उसमें भी शायद 3 प्रश्न जो थे उन्हें अलग करना पड़ा, कक्षा 7-8 की बात करें तो उसमें भी 3 ही प्रश्न गलत थे, 5-6 में 4 प्रश्न गलत हो गए थे। थोड़ा सा दुख का विषय यह है कि 11-12 का कोई भी विद्यार्थी टॉप 75 में अपना स्थान नहीं बना पाया। इसके पीछे क्या कारण है वो विद्यार्थी ठीक से समझ रहे होंगे कि उनकी पढ़ाई शायद कहीं कमजोर रही होगी, वो अच्छे से तैयारी नहीं करके आए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक टेस्ट था जो सिलेबस बेस्ड था, पाठ्यक्रम पर आधारित था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछा नहीं जाना था, और महज एक एक पार्ट, अगर जो मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं तो एक पार्ट, दो सब्जेक्ट की बात करूंगा तो दो पार्ट, यानी कि मैं अगर जो कक्षा 12 और 11 में बात करूं तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड का आंकड़ा मैं मिला दूं तो हिंदी में फर्स्ट सेकंड नहीं होता, उसमें अगर फर्स्ट सेकंड होता भी है तो बहुत ज़्यादा उसका दायरा इस बार ज़्यादा नहीं था, और इंग्लिश में तो केवल हमने सेकंड से ही पूछा था। तो अगर जो मैं हिंदी में भी फर्स्ट सेकंड मान करके चलूं तो टोटल 9 पार्ट थे, उसमें 9 पार्ट से मैं 100 नंबर का क्वेश्चन लेकर के आया, और उसमें विद्यार्थी जो थे वो चूक गए किसी कारणवश, शायद उनकी तैयारी बेहतर ना रही हो भाई, लेकिन सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। जो विद्यार्थी इस बार चूक गए, कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन हो सकता है वो चूक गए हों, उनका नाम टॉप 75 में ना आया हो, तो आप एक मूल्यांकन करिए, स्व मूल्यांकन करिए, ये आखिर कमी कहाँ रह गई, क्योंकि अभी समय है, ये वक्त है पढ़ाई का, ये समय यदि आप पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे तो आगे बहुत बेहतर हो जाएगा। आज शाम आप बैठिए, यदि आपका नाम टॉप 75 में शामिल नहीं है और आपने इसमें प्रतिभाग किया है तो फिर से हम अवसर देंगे आपको, बहुत जल्द हम 5वें संस्करण की तैयारी में जुड़ जाएंगे और आप तक बहुत जल्द खबर पहुंचेगी कि जी हाँ, बहुत जल्द 5वें संस्करण की परीक्षा भी आयोजित होने वाली है। लेकिन उसके पहले 5वें संस्करण की तैयारी से पहले अपना मूल्यांकन करिए, देखिए कहाँ कमी रह गई है, कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है, और एक बार फिर से उन कमियों को दूर करते हुए आप फिर से एक तैयारी शुरू कर दीजिएगा। हम फिर अगले संस्करण में आप बेहतर करेंगे, ये उम्मीद है आपसे। अब एक चीज रह गई है कि आखिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा कब नहीं होगा, तो जैसे ही हम जिन मेहमानों से, जिन अतिथियों से अपने कार्यक्रम में जिनको आमंत्रित करना है उनसे एक बार डेट कंफर्म हो जाने के बाद हम तिथि की घोषणा कर देंगे कि आखिर किस दिन टॉप 75 में शामिल सभी विद्यार्थियों को उनके निश्चित उपहारों से पुरस्कृत किया जाएगा, निश्चित पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं, और भारतीय जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली, जो प्रकाश का, उत्साह का, उमंग का एक प्रतीक है, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद।